हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न इट वन क्लिक। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट लाया है असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हाँ टोटल पोस्ट कितनी है। देखिए, असिस्टेंट के लिए जो टोटल पोस्ट है 164 पोस्ट है और मैनेजर के लिए 100 पोस्ट है। ओके, जो असिस्टेंट के लिए पोस्ट है वो स्टेट वाइज है, आप देख सकते हैं, और आपको उसी स्टेट के रिगार्डिंग फॉर्म फिल करना है। तो हर स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ के लिए 4 है, MP के लिए 10 है, बिहार के लिए 9 है, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए पैन इंडिया पर है, 100 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो असिस्टेंट जो है वो उसी स्टेट में पोस्टेड होंगे जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं। दूसरी चीज़ देखता हूँ कि हाँ सैलरी के लिए, सैलरी की बात, तो असिस्टेंट की जो ग्रॉस सैलरी है, बेसिक सैलरी 13,980 पर मंथ, एंड जो अप्रॉक्सीमेट उनको मिलेगा सारे अलाउंस जोड़ कर लगभग 21,236 रुपीज़। और ये डिपेंड करता है कि हाँ आपके लोकेशन कैसा है एंड डिफरेंट अलाउंस के ऊपर भी, कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये एवरेज सैलरी है कि 21,236 रुपये। वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर को अप्रॉक्सीमेट 49,805 रुपीज मिलने के चांसेस है। ओके, देखिए जो प्रोबेशन पीरियड है, ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है असिस्टेंट के लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग को एक्सटेंड भी किया जा सकता है 6 मंथ के लिए मैक्सिमम। और वहीं असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग को 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर को 25,000 रुपी पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ऐसा तो नोटिफिकेशन में असिस्टेंट के लिए नहीं बोला है, सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के लिए बोला गया है कि हाँ 25,000 रुपी दिया जाएगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, जो असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो उसे ग्रेजुएट फिल कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के जो पोस्ट है उसको ग्रेजुएट फिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको MBA की डिग्री जरूरी है, किसी भी डिसिप्लिन से आपको MBA किया होना चाहिए, और दोनों की लगभग 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। एज की बात करूँ तो एज जो है 21 से 28 ईयर की तक चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर की भी 21 से 28 ईयर की तक चाहिए, इसके बीच में आप होने चाहिए। एज में SC ST OBC के लिए कोई एक्सेम्पशन नहीं है, कोई छूट नहीं है, रिडक्शन नहीं है अपर एज के लिए। ओके फ्रेंड, कंप्यूटर स्किल्स, दोनों पोस्ट के लिए कंप्यूटर स्किल्स बहुत जरूरी है, इन्होंने कंपलसरी लिखा है कि आपको कंप्यूटर स्किल्स है तो आप फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर का दोनों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और आफ्टर इंटरव्यू मेडिकल टेस्ट भी है। देखिए जो शेड्यूल है, क्या क्या शेड्यूल है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने की 24 अगस्त से स्टार्ट की गई है, नियाज से स्टार्टिंग हो गई है, और 7 सितंबर तक रहेगी, यानी 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, और फिर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 26 सितंबर को, 26 सितंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्जामिनेशन है 10 अक्टूबर को है, 10th अक्टूबर के लिए है, टेंटेटिव डेट है, चेंज में भी हो सकता है। और वहीं असिस्टेंट के लिए जो टेंटेटिव डेट है 12th of October। ओके, एग्जाम्स पैटर्न की बात करूं तो ये बैंकिंग से रिलेटेड ही है, इंग्लिश जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए है, लॉजिकल रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बट सेपरेट टाइम दिया हुआ है, 35 मिनट्स है इंग्लिश के लिए, 35 मिनट्स है क्वांट के लिए, 35 मिनट्स है रीजनिंग के लिए भी, और 15 मिनट्स दिया है इन्होंने GA के लिए, यानी टोटल आपको 120 मिनट्स दिया गया है, जिस टाइम को सेक्शनल डिवाइड है किया है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 मार्क्स 120 मिनट, और निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ओके फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो दोनों पोस्ट के लिए 500 रुपी एप्लीकेशन फ़ी है, और एडिशनल आपको 18% GST देना होगा, यानी आपको 590 रुपीज चार्ज फॉर्म के लिए देना हो प्लस बैंक चार्ज। ओके फ्रेंड, और
एप्लीकेशन फी में कोई भी रिडेम्पशन नहीं है, कोई भी छूट नहीं है, ना तो गर्ल्स के लिए ना SC ST के लिए, सबको ये 500 रुपीज में फॉर्म फिल करना है। आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है अप्लाई करने की। आप LIC HFL के साइट पर जाइए, www.lichousing.com, और वहां जाकर कैरियर ऑप्शन क्लिक कीजिए। कैरियर में जाकर जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको जाना है, और फिर जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर। फिर वहां जाकर आपको क्लिक करना है न्यू यूजर के तौर पर, फिर वहां रजिस्टर करना है, देन आपको सारे प्रोसेस फॉलो करना है, और जो भी पूछा जा रहा है इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको फिलअप करना है। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है LIC के फील्ड में वर्क करने की, काफ़ी अच्छी जॉब पोस्ट भी है। सो आप एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक्स एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। बाय बाय।